हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। कैसे हैं आप सब? मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है डायबिटीज। बट डायबिटीज ऐसा नहीं कि सिर्फ 40 अप या 50 अप में ही होगा। डायबिटीज आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, टीनेजर्स को भी डायबिटीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज क्या है, कितने तरीके के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज होने पर आपको क्या फॉलो करना है और क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, कौन सा सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन सा मेडिकेशन आपको नहीं इस्तेमाल करना है। सो सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज के बारे में मैं बताऊंगी। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारे बॉडी से ही निकलता है, हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है और वही इंसुलिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसे इंसुलिन क्या करता है, सेल्स में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से सेल्स फिर ग्लूकोज को यूज कर सकता है। तो जितनी मात्रा में इंसुलिन होगी हमारे बॉडी में उतना ही कम रहेगा हमारा ब्लड शुगर लेवल। और डायबिटीज 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रेगनेंसी में है उस दौरान होता है। और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज आर रियली कॉमन। इंडिया में डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली मैं जहाँ पर रहती हूँ वहां पर तो और भी ज्यादा कॉमन है। एज पर रिसर्च वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स पाए जाते हैं और इनफैक्ट ऑल ओवर एशिया में मोस्ट जो नंबर है डायबिटिक्स का वो इंडिया में ही है। टेंशन की वजह से, फास्ट फूड की वजह से, उल्टा फुल्टा लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा डायबिटिक्स होते हैं इंडिया में। अब देखिए, मैं इतना सब कुछ बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज है बहुत सालों से। डायबिटीज वर्ड जो है वो काफी कॉमन है, लेकिन जिनको होता है उन्हें ही पता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा तो कई सारे मेडिकेशंस लेते हैं डायबिटीज के लिए जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे कुछ आयुर्वेदिक चाहिए था क्योंकि पर्सनली मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि कौन से मेडिकेशन से क्या साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो काफी हद तक हमारे बॉडी में जो डिजीज होते हैं ना वो काफी कम हो जाते हैं। आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एलोपैथी जो दवाई होते हैं ना उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। कुछ ऑर्गन के लिए आप खा रहे हैं तो कोई दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडिया में उजीवा आयुर्वेदा बेस्ड है टोटली, तो मुझे उजीवा में कुछ चाहिए था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उजीवा का एक डायबिटिक्स वाला सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स है। जब मुझे पता चला उस दौरान ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया मेरे पापा के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि ये जो उजीवा सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स है ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए ही नहीं, ये प्री डायबिटीज है। मतलब अगर आप डायबिटीज से प्रिवेंट करना चाहते हैं, आपके डायबिटीज नहीं है लेकिन चांसेस है डायबिटीज होने का, सो ये जो ओजीवा सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स फॉर डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज है, इसके अंदर 6 एल्कलाइजिंग ग्रीन्स, 5 शुगर कंट्रोल हर्ब्स और 4 एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये टोटली प्लांट बेस्ड है, नॉन जीएमओ है एंड ग्लूटेन फ्री है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है ना वो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है सारे ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अच्छे हैं। तो जैसे इसके अंदर है फेनिग्रिक सीड, फेनिग्रिक सीड्स में बहुत मात्रा में फाइबर होते हैं जो डाइजेशन को स्लो करता है और अच्छा प्रॉपर डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लेते हैं जिससे कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये उसे कंट्रोल करता है। डायबिटीज अगर आपको है तो आपको पता है कि कितना ज्यादा थर्स्टी फील होता है ऑल टाइम। तो इसके अंदर जामुन सीड है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो क्या है, उससे आपको थर्स्टी जो फीलिंग है वो नहीं होगा, ऑल टाइम आपको हाइड्रेशन फील होगी। मोरिंगा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स है, इंसुलिन लाइक प्रोटीन्स है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि इंसुलिन जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है इंसुलिन का फंक्शन, तो इसके अंदर ना मोरिंगा भी है।
और हाँ, इसके अंदर मैजिकल इंग्रेडिएंट विच इज आंवला, जो कि एंटी डायबिटिक है. कितने सारे रिसर्च ने प्रूव किया है आंवला कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके अंदर आंवला भी है. इसके अंदर और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि पोमेग्रेनेट, फेनल सीड्स, स्पिनच, व्हीट ग्रास, जो कि उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है हर जगह पर. तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है और वो सारे इकट्ठे इसके अंदर है. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको परचेज करते हैं तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे. तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसे आपको किस तरीके से पीना है, कब पीना है और कौन कौन इसे पी सकते हैं. हर सुबह खाली पेट 2 स्कूप्स ऐड कीजिए 150 ml वाटर में. अच्छे से मिक्स कीजिए. वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए या फिर आप चाहते हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं. इसके साथ साथ आपको अपने डाइट में ध्यान देना है. आप अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर इंटेक कीजिए एवरी डे. थोड़ा सा मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, रनिंग या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओजीवा सुपरफूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स इंडिया का पहला एल्कलाइजिंग ग्रीन्स ब्लेंड है, जिसके अंदर शुगर कंट्रोलिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बूस्ट करता है. जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ही हमारे बॉडी के पीएच को और एसिडिटी को मेंटेन करता है, ओवरऑल बॉडी हेल्थ को भी कंट्रोल करता है. इनफैक्ट इसके अंदर आंवला, पोमेग्रेनेट, फिनल सीड्स और भी कई सारे आयुर्वेदिक हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो लिवर और हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. सो जब से ये मेरे घर में आया है तब से मेरे पापा डेली बेसिस पर इसे कंज्यूम करते हैं और मैं इसे वीकली 1 या 2 times कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑलवेज ऐसा फील होता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. और इसके अंदर कई सारे ऐसे नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मुझे कुछ हार्म भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है. और एक बात कि अगर आप इसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा इसे लेने से. आपको अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. कार्ब्स आप कम कर दीजिए, प्रोटीन आप कम कर दीजिए, आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसे लीजिए. अगर आपको जानना है कि आप कितने क्वांटिटी में क्या लेना है आपको, तो इसके साथ ही आपको एक नंबर रिसीव होगा, उस नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके अपना जो डाइट चार्ट है वो आप पा सकते हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, जहां से मैंने परचेज किया है वहां का मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं. और कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.